नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 6 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना के रोकथाम के लिए जारी की गई पाबंदियां आज से होगी लागू। बिहार में सरकार बना रही है रोड का डेटा बैंक। भूमि विवाद से जुड़े 1000 लंबित मामलों का जल्द से जल्द करें निपटारा। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर कार्यक्रम स्थगित। अब बिहार से नेपाल के लिए जल्द ही शुरू होगी ट्रेन की सेवा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना के रोकथाम के लिए जारी की गई पाबंदियां आज से होगी लागू। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद जरूरी पाबंदियां लगा दी गई हैं, जो कि आज से लागू हो जाएगी, जिसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कक्षा 9वीं के बाद सभी क्लासेस 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कक्षा 8वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे। कोचिंग संस्थान 9वीं के बाद 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, पार्क, जिम, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, ढाबे में 50% कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी। सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी और शॉपिंग मॉल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह पाबंदियां 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेंगी। बिहार में मिले कोविड-19 के 1600 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1659 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 3697 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 9, अरवल में 4, औरंगाबाद में 14, बांका में 4, बेगूसराय में 32, भागलपुर में 16, भोजपुर में 12, बक्सर में 4, दरभंगा में 23, ईस्ट चंपारण में 10, गया में 168, गोपालगंज में 5, जमुई में 8, जहानाबाद में 45, कटिहार में 11, खगड़िया में 9, किशनगंज में 10, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 5, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 59, नालंदा में 38, नवादा में 9, पटना में 1015, पूर्णिया में 4, रोहतास में 14, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 18, सारण में 10, शेखपुरा में 3, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 5, सुपौल में 4, वैशाली में 20, वेस्ट चंपारण में 15 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बीते दिन के पिछले 24 घंटे में दूसरे राज्य से आए 19 सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं कुल मिलाकर 164,408 सैंपल की जांच की गई। वहीं 184 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बीएसईबी ने जारी की 10वीं और 12वीं की डेट शीट। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इसको लेकर बिहार बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी 2022 से शुरू होगी। इंटर परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी। कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं के लिए व्यावहारिक परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कक्षा 10 के लिए व्यावहारिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी 2022 के बीच पूरी हो जाएगी। बोर्ड की तरफ से जारी की गई जानकारी को देखें तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 24 फरवरी 2022 को समाप्त होगी और इंटर परीक्षा 14 फरवरी 2022 को समाप्त होगी। बिहार बोर्ड परीक्षा 3 घंटे की अवधि की होगी और उम्मीदवारों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 15 मिनट के अतिरिक्त समय में छात्र पेपर पढ़ सकते हैं। स्कूल हेडमास्टर भर्ती में पटना हाईकोर्ट ने जारी किया महत्वपूर्ण निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के राष्ट्रीय कृत प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिए नियम के तहत निर्धारित शर्तों के मामलों पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इसको लेकर सुनवाई की है। साथ ही ये साफ कर दिया है कि राज्य सरकार को 4 सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दे दिया गया है। इसको लेकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति और भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा था। इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी। इनकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इस याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा। बिहार में सरकार बना रही है रोड का डेटा बैंक।
बिहार की सड़कों का जल्द ही डिजिटल डेटा बैंक तैयार होने जा रहा है। इससे पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस जिले में कितनी और कौन कौन सी सड़कें हैं। इन सड़कों का लेखा जोखा डिजिटल मैप पर अब रहेगा। इसको लेकर बिहार पथ निर्माण विभाग ने इसकी कवायद तेज कर दी है। साथ ही कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश भी दे दिया गया है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो विभागीय अधिकारियों के किसी भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान जिले के अधीन विभागीय पथों से संबंधित रोड नेटवर्क मैप की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में उन्हें नक्शा मिलना कठिन हो जाता है। ऐसे में यह जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट रोड मैप अप टू डेट रहे। इससे विकास कार्य को गति देने में अड़चन न आए, जिसके बाद ही अब कार्यपालक अभियंता अपने जिले में पड़ने वाले सभी सड़कों को डिस्ट्रिक्ट मैप पर चिन्हित कर डिजिटली अपलोड करेंगे। भूमि विवाद से जुड़े हजार लंबित मामलों का जल्द से जल्द करें निपटारा। बिहार में जमीन से संबंधित विवाद का सिलसिला बहुत ही पुराना है। सबसे ज्यादा मामले इसी से जुड़े होते हैं। जमीन विवाद के चलते बात काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। हालांकि इसके बावजूद अब तक हजारों मामले लंबित हैं। इसको देखते हुए ही अब पुलिस मुख्यालय ने लंबित मामलों के निष्पादन का जल्द से जल्द निपटारा का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि थाना स्तर पर सप्ताह में एक दिन, अनुमंडल स्तर पर 15 दिन और स्तर पर महीने में एक दिन जमीन से जुड़े मामलों पर बैठक कर विवाद को निपटारा करने का सही तरीका अपनाया जाए। पुलिस मुख्यालय के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार की माने तो लगातार भूमि विवाद के मामलों का निपटारा हेतु बिहार पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर संयुक्त उचित कार्रवाई कर रहा है। ज्यादातर मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। बिहार को फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। बिहार में सर्दी का सितम जारी है। बीते 2 दिनों से हाड़ कपाने वाली ठंड देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब लोगों को राहत की उम्मीद है। हालांकि इन सब के बीच मौसम विभाग ने अभी ठंड से कोई राहत मिलने के संकेत नहीं दिए हैं। मौसम पूर्वानुमानों के अनुसार अगले 4 दिनों तक यानी 9 जनवरी तक राज्य में किसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। उसके बाद भी मौसम में बदलाव हो सकता है, लेकिन तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने के कारण ठंड में ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है। बीते दिन की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई, जबकि कोहरे और सर्द हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस बना रहा। हालांकि इन सबके बीच ठंड और कोहरे के कारण लोगों की जिंदगी ठहर गई है। तीसरी लहर के रोकथाम के उपाय को लेकर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बिहार में तीसरी लहर का आगमन हो गया है। बीते कुछ दिनों से आए कोरोना के दैनिक मामलों को देखें तो आप भी समझ जाएंगे कि मामलों में वृद्धि कितनी तेजी से हो रही है। यही कारण है कि बिहार में तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं तीसरी लहर में सरकार की तैयारियों को लेकर बीते दिन पटना हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने इस महामारी के रोकथाम और नियंत्रित करने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा दिया। शिवानी कौशिक और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट को यह भी बताया गया कि अभी 2 लाख व्यक्तियों का प्रतिदिन टेस्ट किया जा रहा है, ऑक्सीजन की आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त है और अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की पूरी कार्रवाई हो रही है। कोरोना टीकाकरण को लेकर बिहार में बनेंगे 9000 से अधिक नए केंद्र। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 15 से 18 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अब स्वास्थ्य विभाग बच्चों के टीकाकरण में तेजी लाने के इरादे से काम की गति को तेज करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत ही कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 9000 से अधिक नए कोरोना टीकाकरण केंद्र बनेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के विद्यालयों में भी कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत ने इस संबंध में जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दे दिया है। वर्तमान समय की बात करें तो राज्य में करीब 9000 सरकारी हाई स्कूल संचालित है। इन सभी सरकारी हाई स्कूलों में किशोरों के टीकाकरण के लिए विशेष केंद्र बनाने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि बिहार सरकार के 84 लाख बच्चों को टीका देने का लक्ष्य भी पूरा किया जा सके। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4.5 लाख देगी सरकार। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच बिहार में बीते दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ही कई एजेंडों पर तो मुहर लगी ही। साथ ही इस दौरान कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को लेकर भी बड़ी जानकारी दी गई है, जिसके तहत ही अब कोरोना की इस तीसरी लहर में जान गंवाने वालों के परिजनों की मदद अब सरकार करेगी और लगभग 4.5 लाख कुल मिलाकर के देने वाली है। इसको लेकर बीते दिन हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार की तरफ से कुल मिलाकर 106 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। वहीं 50,000 की दर से जान गंवाने वालों के निकटतम को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने
के निमित्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं लंबे समय के बाद बीते दिन एनएमसीएच में एक व्यक्ति की कोरोना के कारण जान भी चली गई है। निगरानी टीम ने राजस्व कर्मचारी पर कसा शिकंजा। सरकार के नाक के नीचे कितना खेल हो रहा है, इसका खुलासा आपको बीते कुछ दिनों से आई खबरों से लग रहा होगा। लेकिन इसी कड़ी में बीते दिन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बड़ी खबर आई है, जहां पर निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुशहरी अंचल के राजस्व ऑफिस से उसकी गिरफ्तारी की गई है। कार्रवाई के बाद विजिलेंस की टीम कर्मचारी को लेकर रवाना हो गई, जिसके बाद यूज विजिलेंस कोर्ट में उन्हें पेश किया जा सकता है। खबरों की माने तो बीते कई दिनों से कर्मचारी अजीत कुमार के विरुद्ध लगातार शिकायत मिल रही थी। बताया जा रहा था कि दाखिल खारिज से लेकर अब सभी काम के लिए रिश्वत की वो मांग करते थे। कांटी अंचल में तबादले के बाद ही वो मुशहरी अंचल में प्रतिनियुक्ति पर थे। वहीं से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें पकड़ा गया था। ग्रामीण इलाकों में भी डराने लगे हैं कोरोना के मामले। बिहार के शहरी इलाकों में आग की तरफ फैल रही कोरोना अब गांव के इलाकों को भी अपनी जद में लेने लगी है। यही कारण है कि अब शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों की तैयारी भी तेज कर दी गई है। इसको लेकर सभी पीएचसी और अन्य अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाइयों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह की माने तो अभी जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये तैयारी की जा रही है। अभी तक संक्रमण से स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन जिनकी स्थिति गंभीर होगी उनको घर के नजदीक बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना की बात करें तो यहां सभी 23 पीएचसी और एचएचसी में कोरोना से संबंधित दवाओं का भंडारण भी किया जा चुका है। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर कार्यक्रम स्थगित। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना में आयोजित होने वाले गुरु गोविंद सिंह जयंती पर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के कारण ही अब नगर कीर्तन नहीं निकलेगा। इसके साथ ही पटना सिटी के पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने बड़ा फैसला ले लिया है। जत्थों से जल्द वापस लौटने की अपील की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 355वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम आयोजित होना था। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस कार्यक्रम में पहले ही कई बदलाव किए गए थे। वहीं डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी जीत सिंह ढिल्लों ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य के कई बिल्डर ईडी के रडार पर। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए राज्य के कई बिल्डरों की अवैध संपत्तियां प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर है। ऐसे बिल्डरों की संख्या फिलहाल 10 के आसपास है। इसमें वैसे बिल्डर भी शामिल है जिनकी साठगांठ माफियाओं या फिर कुछ बड़े भ्रष्ट लोक सेवकों के साथ है, जिसके बाद ही अब ईडी ऐसे सभी बिल्डरों से जुड़े मामलों की छानबीन करने में जुटा है। जल्द ही इस कड़ी में शामिल कुछ बिल्डरों पर ईडी मुकदमा दर्ज कर इनकी अवैध संपत्ति को जब्त कर सकता है। इन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। अब बिहार से नेपाल के लिए जल्द ही शुरू होगी ट्रेन की सेवा। भारत और नेपाल के रिश्ते को प्रगाढ़ करने की लगातार कोशिश की जाती रही है। इसी कड़ी में अब नेपाल के सीमावर्ती इलाके में रहने वाले और हजारों पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, जिसके तहत मधुबनी के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक जल्द ही रेल की सेवा शुरू होने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय और भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने जयनगर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है। जयनगर से जनकपुर कुर्था के बीच ट्रेन चलाने के बीच ट्रेनों का परिचालन होने वाला है। ऐसे में अब संभावनाएं यही जताई जा रही है कि मिथिलांचल के लोगों को नए साल में इंडो नेपाल रेल सेवा की सौगात मिलने वाली है। इसको लेकर हाल ही में गृह मंत्रालय समेत समस्तीपुर रेल मंडल के तमाम आला अधिकारियों ने जयनगर स्थित भारत और नेपाल के रेलवे स्टेशनों का दौरा कर वहां की तैयारियों का जायजा लिया था। साथ ही स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़े इंतजाम की जानकारी भी ली थी। बोर्ड परीक्षा से पहले सभी परीक्षार्थियों को लगेगा टीका। बिहार में जल्द ही बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर बोर्ड ने तो तैयारी तेज कर ही दी है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रसार को देखते हुए बोर्ड ने खास तैयारी अब तेज कर दी है, जिसके तहत सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के टर्म 2 परीक्षा के पहले सभी छात्रों को कोरोना टीका लगा दिए जाने की जानकारी निकल करके सामने आई है। वहीं सीआईएससीई के 10वीं और 12वीं सेमेस्टर 2 के पहले सभी छात्रों को कोरोना टीका लगा दिया जाएगा। बोर्ड की तरफ से सभी स्कूल को इसके लिए निर्देश दे दिया गया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों से कहा है कि अभिभावकों को मोटिवेट कर सभी बच्चों को टीका लगवाया जाए। बिहार पुलिस कांस्टेबल पीटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल सीएसपीसी ने कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जो कि अब उम्मीदवार आसानी से सीएसपीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर पीईटी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि योजना के अनुसार पीईटी की परीक्षा 28 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी।
इसके साथ ही अगर कोई उम्मीदवार वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो वो सीएसबीसी के पटना स्थित कार्यालय से 24 और 25 जनवरी को अपने डुप्लीकेट एडमिट कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के माध्यम से कुल मिलाकर 8,415 रिक्त पदों को भरने का काम किया जाएगा। आज से बिहार में पॉजिटिव मरीजों को घर पर ही मिलेगी दवा। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आज से दवाई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से पॉजिटिव मरीजों के घर पर ही जरूरी दवाओं की खेप पहुंचाने का काम किया जाएगा। गुरुवार से डाकिया कोरोना मरीजों को घर पर दवा पहुंचाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए जा रहे आंकड़े अब डराने लगे हैं। हालांकि इन सबके बीच बिहार को तीसरी लहर से बचाने के लिए बिहार सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है, साथ ही लोगों को घर घर दवा पहुंचाने की तैयारी भी आज से शुरू कर दी गई है। अब निगम कॉम्बैट सेल नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड नियंत्रण कक्ष करेगा काम। नगर निगम द्वारा दी जा रही सेवाओं से संबंधित शिकायतों को दूर करने का एक ऑनलाइन माध्यम स्वच्छता ऐप की निगरानी करना है। हालांकि बीते कुछ समय से यह काम नहीं कर रहा है, इसके लिए नगर निगम का कॉम्बैट सेल ने काम करना बंद कर दिया है। जिस एजेंसी के माध्यम से यह काम होना था उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसके बाद ही अब कॉम्बैट सेल का काम इंटीग्रेटेड नियंत्रण कक्ष को सौंपा जा रहा है। जिसके बाद ही अब इस मुद्दे को लेकर नगर आयुक्त ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत नगर आयुक्त का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड नियंत्रण कक्ष से सारे कार्य संपन्न होंगे। प्रत्येक 5 वार्ड पर एक एक टीम होगी जो वहां की समस्याओं का समाधान करेगा। सीएम हाउस में पहुंचा कोरोना। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। हर दिन आ रहे मामले अब डराने लगे हैं। हालांकि इस बार बिहार कोरोना की आज राजनीतिक गलियारे में तेजी से देखने को मिल रही है। कई गणमान्य मंत्रियों के कोरोना की जद में आने के बाद अब संक्रमण सीएम हाउस तक पहुंच गया है। मिली जानकारी के अनुसार और खबर लिखे जाने तक कोरोना अब सीएम हाउस की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी और स्टाफ संक्रमित और स्टाफ तक पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा और अन्य इंतजामों में लगे अब तक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। खबर लिखे जाने तक कुल 50 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से सीएम नीतीश की सभी प्रस्तावित बैठकों को रद्द कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बीच तेजस्वी ने टाली अपनी यात्रा। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते ही बिहार सरकार की तरफ से समाज सुधार अभियान को स्थगित तो कर ही दिया गया है, जिसके बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि तेजस्वी अपनी यात्रा पर भी ब्रेक लगाएंगे। पहले तो उन्होंने इस बात से इनकार किया, लेकिन बाद में तेजस्वी की इस यात्रा को स्थगित करने की जानकारी निकल कर के सामने आई है। हालांकि शाम तक जो खबरें चल रही थी उसके अनुसार तेजस्वी ने पहले तो साफ कर दिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो अपनी बेरोजगारी हटाओ यात्रा को निकाल कर रहेंगे। इसको लेकर ही बीते दिन राजद ने पटना में हुई एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत कई विधायक और राजद नेता मौजूद थे। होम आइसोलेशन को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक्शन मोड पर आ गई है। जल्द ही मंत्रालय कई सारे नियमों में बदलाव करने जा रही है। उसमें से बड़ा बदलाव होम आइसोलेशन को लेकर बने गाइडलाइन में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक पॉजिटिव होते ही 7 दिन और 3 दिनों तक लगातार बुखार नहीं आने के बाद होम आइसोलेशन के तहत मरीज को छुट्टी दे दी जाएगी। साथ ही होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से टेस्ट करवाने की उस मरीज को कोई आवश्यकता नहीं होगी। सेंचुरियन टेस्ट के बाद जसप्रीत बुमराह ने रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बड़ा फायदा मिला है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में बुमराह ने कुल 5 विकेट लिए थे और इस प्रदर्शन के बाद उन्हें टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में 3 पायदान का फायदा मिला है। इसके साथ ही बुमराह टॉप 10 टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में फिर से शामिल हो गए हैं। वहीं टीम इंडिया के स्टार स्पिनर आर अश्विन नंबर 2 पायदान पर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस टेस्ट के बेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं। बुमराह के अलावा दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को भी रैंकिंग में 1 पायदान का फायदा मिला है और वो 6ठे पायदान पर पहुंच गए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मदर टेरेसा भारत में रोगियों और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए 1929 में अब कोलकाता आई थी। समाचार पत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित कॉमिक स्ट्रिप सुपरमैन की शुरुआत 1939 में हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन 1947 में स्वीकार किया। इंदिरा गांधी की जान लेने वाले दोनों दोषियों सतवंत सिंह और केहर सिंह को 1989 में सजा दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1983 में पहली बार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली में यमुना बैंक आनंद विहार सेक्शन की मेट्रो रेल का परिचालन 2010 में आज शुरू हुआ था।
लॉकडाउन के डर से घर लौटने लगे प्रवासी। तीसरी लहर की आहट के साथ ही बिहार में प्रवासियों का आगमन तेज हो गया है, क्योंकि लोगों को अब लॉकडाउन का डर सताने लगा है। हालांकि अब तक नियमों में कुछ पाबंदियों के अलावा कोई कड़ाई नहीं की गई है, लेकिन प्रवासी अपने राज्य लौटने लगे हैं। आलम कुछ यूं है कि दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, उड़ीसा आदि स्थानों से ज्यादा लोग बिहार लौट रहे हैं। दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आए प्रवासियों की माने तो दिल्ली में सबको लॉकडाउन का डर है, क्योंकि हालत खराब हो रही है। ऐसे में काम कब बंद हो जाए और वो वहीं के वहीं ना फंस जाए, इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा ही डर है। यही कारण है कि लोग अब अन्य प्रदेशों में फंसने से ज्यादा वापस बिहार लौटने का काम कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुमार राहुल, रूपा कुमारी, दिव्यांशु कुमारी, इंडियन सोनिया, मनीष मोहरा, मुन्ना कुमार, रूपेश कुमार, विश्वजीत सागर, मुन्ना सिंह, पंकज कुमार दास, कमल शेख, श्याम कुमार मंडल, मनीषा जाखर, अनवर करीम खान, राहुल कुमार, संदीप श्यामराज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज से कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी की गई पाबंदियां कोरोना के रोकथाम में मददगार साबित होंगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।